नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय स्टेट बैंक ऋण मेला और वित्तीय समावेशन क्षेत्रीय व्यवसाय ग्रामीण के बैनर तले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के निरसा शाखा परिसर में एक भव्य ऋण मेला का आयोजन किया गया। मेले में मुख्य रूप से भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक सोहन कुमार सहित क्षेत्रीय प्रबंधक अरुण कुमार और बैंक के सभी कर्मचारी उपस्थित हुए। पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार लगभग धनबाद जिला अंतर्गत 12 शाखाओं के अंतर्गत चलने वाले महिला समूह सहित कई योजनाओं में ऋण लेने वाले विशेष रूप से कार्यक्रम में उपस्थित हुए। उप महाप्रबंधक ने बताया कि भारत सरकार वर्तमान में वित्त मंत्रालय द्वारा देश भर में वैसे जरूरतमंदों के बीच वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य है हर तरफ की ऋण योजनाएं भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से दी जा रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से कृषि लोन, पर्सनल लोन, कार लोन तथा होम लोन सहित अन्य प्रकार की योजनाएं भी शामिल हैं, जिसका जरूरतमंद लोग लाभ उठाकर अपने व्यवसाय सहित अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। ऐसी और भी योजनाएं तथा कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। प्रकार के वित्तीय समावेशन का जो कार्यक्रम अभी चल रहा है, भारत सरकार के DFS मंत्रालय का ये निर्देश है, ये जो भी हमारे देशवासी हैं उनको वित्तीय सहायता, क्या क्या प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है इसकी जानकारी उनको पूरी दी जाए। साथ में सामाजिक सुरक्षा जो स्कीम है, जैसा हमने विभाषण में बताया कि प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, अभी त्योहारी सीजन में व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण और व्यवसाय करने के लिए व्यवसायी ऋण, हमारे आजीविका के बहनों और माताओं के लिए SHG का ऋण, किसानों के कृषि कार्य के लिए कृषि सीखा ऋण, ये तमाम तरीके के ऋण की जानकारी देना और एक मुश्त बड़े संख्या में लोगों को ऋण वितरण करने का ये आयोजन था। और इसके माध्यम से ये आयोजन लगातार चल रहा है। ये आज आसपास की शाखाओं के जो हम लोग तत्काल एक दो दिन में जो ऋण वितरण किए हैं, उससे ग्राहक यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिनको हम लोग आज चेक देने का काम किया। वी टाइम न्यूज़ के लिए निरसा से VK सलूजा की रिपोर्ट।